नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल नितिन। अगर आपका भी प्रिंटर ब्रदर कंपनी का है और ऐसा ब्लैंक पेज निकाल के दे रहा है प्रिंट करते वक्त, तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले हमको इसमें कोई भी प्रिंट, कोई भी पेज लगा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे कुछ लिखा हुआ है, एक गाइड है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंट है वो अभी निकल के आएगा प्रिंट, उसके बाद पता चलेगा कि निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल ब्लैंक पेज निकाल के दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के प्रिंटर में, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है इस मेन्यू वाले बटन पे, मेन्यू वाले पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे मेंटेनेंस वाले पे ही क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके किया, इम्प्रूव क्वालिटी पे नहीं करेंगे, यहाँ पे ये क्लीनिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ओके कर देना है। अगर आपका ब्लैक आप कर रहे हो, अगर वो सही से नहीं निकल रहा है ब्लैक फोटोकॉपी, तो आप ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है, ओके किया, और आपको यहाँ पे क्लीनिंग कर देनी है स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रेस कर दो स्टार्ट। फिर यहाँ पे क्लीनिंग का जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ क्लीनिंग के बाद प्लीज़ वेट का, यहाँ पे हाँ आ गया। कम से कम आपको 2 मिनट के करीब वेट करना है और जैसा आप इसमें देख सकते हैं वेट का भी ऑप्शन आ रहा है, क्लीनिंग हो रही है इसके अंदर से बढ़िया तरह से। थोड़ी देर रुकते हैं और अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो आवाज़ प्रिंटर में कुछ ऐसी आ रही होगी। यहाँ पे क्लीन हो रहा है, यहाँ पे ऐसी आवाज़ आएगी आप लोगों के प्रिंटर में भी, और ऐसी आवाज़ आने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये सही नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज़ वेट, आ गया, यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है अभी भी, तो थोड़ी देर वेट और करना पड़ेगा अभी हम लोगों को। चेक नोजल्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, सेट पेपर एंड, और हमें यहाँ पे प्रेस स्टार्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे ये प्रिंट निकलने वाला है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट ये वाला फाइनल चेकिंग के बाद है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह से पेज निकल के आया है यहाँ पे, जो हमने ब्लैक वाला सिलेक्ट किया था यहाँ पे ऊपर, तो ये ब्लैक की क्वालिटी कुछ इस तरीका से आया है। इस पर ये लिखा है द प्रिंट क्वालिटी चेक सीट, तो ये है। और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा इस क्वालिटी इज ओके, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, क्वालिटी इसकी बढ़िया आई है। और यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा क्लीनिंग वगैरह, यहाँ पे मतलब ये ठीक हो चुका है। और अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो कलर्ड वाला, कलर नहीं निकल रही है सही से, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, तो वो भी यहाँ से ही चेक करेंगे। हम दोबारा मेन्यू पे जाएंगे, मेंटेनेंस पे जाएंगे, ओके कर देंगे, और ये क्लीनिंग वाले ऑप्शन पे जाके ओके कर देंगे। और ब्लैक की जगह यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट कर लेना है, ये कलर वाला ऑप्शन जो लिख के आ रहा है यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी जो है क्लीनिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक नॉर्मल है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले पे ही कर लेते हैं और यहाँ पे प्रेस कर दे रहे हैं स्टार्ट कलर वाले पे जाके। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा, अब क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे। चलिए मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ जो कैसे कर रहा है ये वो सुना देता हूँ। Thank you.
थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो फाइनली अब इसमें ये ऑप्शन आ गया है चेक नोजल्स, तो अभी हम इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला सिलेक्ट कर दिया है सेट पेपर, और प्रेस स्टार्ट कर देना है, उसके बाद ये चेक होके आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं अब इसको, हम इस पर कलर वाला कर देंगे प्रेस स्टार्ट, प्रिंटिंग होके आएगी, उसके बाद ये फाइनल दिखाएगा कैसा निकलेगा ये कलर। ये आ गया पेपर, तो जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं हमारे सारे कलर यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे, रेड कलर है, ब्लू कलर भी है और येलो कलर भी है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो। और ये हमारा ब्लैक वाला है, जो पहले था वो ऐसा था, मतलब हमारा सही नहीं निकल रहा था ब्लैक वाला, और यहाँ पे कलर नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पे ये सही निकल रहा है। तो ऐसा कुछ निकल के आएगा बाद में जब आप सेट कर लेते हैं इसको। चलिए फिर हम एक फाइनल प्रिंट निकाल के देखते हैं प्रिंटर से कैसा दिखाई दे रहा है। और इसका ऑप्शन आ रहा है इस क्वालिटी इज़ ओके, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है क्वालिटी हमारी। और अब एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कोई भी एक लगा के देख लेते हैं। ये ऐसे मार्कशीट है, इसका कलर एक निकाल के देखेंगे प्रिंट। तो ये चलते हैं स्टार्ट, और अभी देखते हैं कैसा आता है इसका। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये क्वालिटी पर बढ़िया आ रही है इसमें, ये आ गया है जैसा आप देख सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकाल के दी है जब हमने इसे सेट किया है। तो अब एक प्रिंट और निकाल के देखेंगे हम ब्लैक एंड वाइट वाला, तो इसे मोनो पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद अभी ये ब्लैक एंड वाइट वाली निकल के। ये आ गई है हमारी मार्कशीट, क्वालिटी बढ़िया है इसकी भी, ब्लैक एंड वाइट वाली भी आ गई। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी सहायता मिली है तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे। जैसे किसी को परेशानी होती है तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।